देखिए भाई साहब, फिर से 3 लाइन का लंबा क्वेश्चन है। ये आपको डरा देगा, साइकोलॉजिकली आपको डरा देगा। आपको एग्जाम में बाप रे बाप, इतना बड़ा कौन पढ़ते हैं। अरे मैया के मैया, इतना में तो पूरा दूसरा क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये आपके दिमाग में चलता है, आपको डरा देगा। आप छोड़ दीजिएगा, अब ये रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। केवल आपको पढ़ लेना है, जल्दी जल्दी डायग्राम बना देना और है। देखिए इसमें जो पेंटर लोग होता है बहुत होशियार होता है। हालांकि आपको कैलकुलेशन करना रहेगा एरिया में, और रनिंग फीट का हिसाब, नया एक कंसेप्ट आ गया ना जाने कहाँ से, सीधे एक फीता दोहरा देगा, बोल देगा ऐसे मीटर लेंगे। अरे भैया ये रनिंग फीट क्या होता है, एरिया तो बताइएगा। अरे कुछ तो उसका सतह रहेगा ना, उस सीधे टेप निकालेगा और ऐसे लंबा खींच देगा, बोल देगा इतना फिट हो लो, पैसा लावा। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? शायद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेंसुरेशन का। मैंने पूरा कोशिश किया एक एक चीज़ को समझाने का, और कुछ भी अगर बाकी रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नीचे आपका इजीली अवेलेबल है, उसके बाद मैं उस पर और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। हम लोग इतना सारा फॉर्मूला देख लिए, तो चलिए आज हम लोग कुछ उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, शॉर्टकट में आपको डायग्राम बना के समझाऊँगा। और मेन क्या है फ्रेंड, कि आपको क्वेश्चन जो होता है ना उसको पढ़ने आना चाहिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसका विजुलाइज कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या कहना क्या चाहता है। आपको एग्ज़ाम में क्या है ना, एक क्वेश्चन 3-4 लाइन का दे दिया जाएगा, आपको उसमें दम नहीं रहेगा। जो सिंपल क्वेश्चन होता है डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाला, उससे कहीं इजी रहता है। आपको केवल दिखने में साइकोलॉजिकली ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे भाई ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो बोल रहा है एक एक लाइन पर के आप उसको ड्रॉ करते जाइए, और उसके बाद कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में बनता है। तो चलिए आज यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और कैसे इसको रीड करके अपने दिमाग में उसको विजुलाइज करना है, उसको ड्रॉ करना है, उसके बाद ना सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर क्रिस्टन हुज लेंथ इज 8 मीटर, ब्रीथ इज 6 मीटर एंड डेप्थ इज 2.5 मीटर। बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर शेप का जो कनस्तर होता है ना वैसा है, तो ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। ये क्या बोल रहा है, पहले इसको कनस्तर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग को करते जाना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, और दिखने में 3-4 लाइन का रहेगा, बहुत सिंपल होता है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं, केवल आप इसको विजुलाइज कर लिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्लोज रेक्टेंगुलर क्रिस्टन हुज लेंथ इज 8 मीटर, जिसका लेंथ है 8 मीटर, ठीक है, सॉरी लेंथ ए हाइट हो जाएगा आपका अगर इधर लेते हैं तो। इसको अगर लेंथ आप मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद विथ इज 6 मीटर, तो इधर ये 6 मीटर हो जाएगा, और डेप्थ बोलिए तो, या आप इसको हाइट भी बोल लीजिए ना, डेप्थ है 2.5 मीटर। जैसे ऊपर से अगर इसको देखिएगा तो डेप्थ कितना हो जाएगा, या 2.5 मीटर इसको हाइट आप बोल दीजिए। तो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द क्रिस्टन। तो पहले कैपेसिटी इसका निकालना है। अरे कैपेसिटी मतलब क्या हो गया भैया, ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, देखिए कैपेसिटी में आपको उलझा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और हम लोग दम 0 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो कैपेसिटी क्या हो गया बताइए, देखिए कैपेसिटी बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
ये क्या हो गया, एक तरह से क्यूबॉइड हो गया ना। तो 8 मीटर, 6 मीटर और 2.5 मीटर, तो कितना हो गया देखिए, 8 9 16, 4 20 6 20 मीटर क्यूब, समझे कितना सिंपल है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द किट। अब क्या बोल रहा है कि इसको बनाने में कितना एरिया का आयरन शीट लगेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया बोल रहा है, ठीक है। ये चारों तरफ का जो है उसका सरफेस एरिया बोल रहा है, इसके पीछे भी होगा, तो हम लोग सरफेस एरिया का क्या किए थे, तो क्या हो गया, रिक्वायर्ड आयरन शीट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या फॉर्मूला ड्राइव किए थे, 2 × LB + BH + LH। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ कितना है, आप लेंथ किसको माने हैं, लेंथ ए माने हैं ना, इसको बीथ माने हैं और इसको एच माने हैं, ठीक है। तो लेंथ कितना है भैया, 8, विथ कितना है, 6, अगेन विथ कितना है, 6, हाइट कितना है, 2.5, लेंथ कितना है, 8, हाइट कितना है, 2.5। तो इसको सॉल्व कीजिए, अब तो ये बच्चों वाला खेल है, 2 × 48 हो गया, 15 हो गया, 6 × और ये क्या हो गया, 8 9 16, 4 20, तो 48 15 63 20 83 बराबर 166। क्या ये क्या हुआ, मीटर में यूनिट है ना, तो एरिया है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना आपका जो सीट लगेगा इसको कवर करने के लिए उसका एरिया होगा। तो केवल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 लाइन में लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने में कितना लगा, मुश्किल से इतना जगह लगा। बस देखिए इसमें केवल आपको क्या है ना, विजुलाइज कीजिए, बाकी आपका मेंसुरेशन में कुछ दम नहीं है। 4-5 फॉर्मूला है जिसका हम लोग ऑलरेडी पहले के जो प्रीवियस वीडियो है उसमें समझा चुके हैं फॉर्मूला, और उसमें भी रटने का ज़रूरत नहीं है, समझ के याद कीजिए, एक बार में आपको पूरा मालूम चल जाएगा। और हम लोग YouTube के अलावा आपका Facebook पे भी अवेलेबल है, Insta पे भी शॉर्ट रील करके डाल रहे हैं, आप कहीं से भी मतलब इसको आप अपना बेनिफिशियल के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास अभी नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई साहब, फिर से 3 लाइन का लंबा क्वेश्चन है, ये आपको डरा देगा, साइकोलॉजिकली आपको डरा देगा, आपको एग्जाम में बाप रे बाप इतना बड़ा कौन पढ़ते, अरे मैया के मैया, इतना में तो पूरा दूसरा क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे, ये आपके दिमाग में चलता है, आपको डरा देगा, आप छोड़ दीजिएगा। अभी रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, केवल आपको पढ़ लेना है, जल्दी जल्दी डायग्राम बना देना है, तो डरिए मत। अरे डरने के लिए हम लोग थोड़े हैं यार, अरे दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखिए क्या है, 3 डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 9 मीटर, 8 मीटर, 6.5 मीटर। जैसे एक रूम का डायमेंशन दिया हुआ है, फिर क्या है, रूम क्या हो गया भाई, एक क्यूबॉइड ही तो हो गया ना। अरे भैया रूम क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, तो इसका डायमेंशन दे दिया है 9 मीटर, 8 मीटर और 6.5 मीटर, 9, 8, ये हो गया 9, ये हो गया 8,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तीसरा 6.5 मीटर, सब यूनिट में मीटर में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई साहब, इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन 2 मीटर × 1.5 मीटर। अरे भैया रूम है तो निकलने के लिए तो गेट होगा ही भैया, तो इसका डायमेंशन दे दिया है 2 मीटर × 2.5 मीटर, सॉरी 2 मीटर × 1.5 मीटर। थोड़ा सा ये ऑन द स्केल डायग्राम नहीं है तो छोटा बड़ा दिखने में लग सकता है, आपको समझ लेना है, विजुलाइज करना है। फिर क्या बोल रहा है, रूम है तो खिड़कियों होवे करेगा एकरा में, एंड 2 विंडो। अरे बाप रे बाप, दम हवादार वाला है, 2 विंडो है इसमें, ठीक है, 2 विंडो ईच ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर × 1 मीटर, 1.5 मीटर × 1 मीटर, तो 2 विंडो है, तो मान लीजिए एक विंडो इधर है, एक विंडो उसके पीछे होगा। अरे भाई देखो, कहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है, ये दीवालों में है, ठीक है, 2 विंडो है, और उसका डायमेंशन क्या है देखिए, 1.5 मीटर और ये है 1 मीटर। अब देखिए, केवल क्वेश्चन को अभी तक उलझा के रखा है, देखिए कुछ नहीं है। द डायमेंशन ऑफ रूम आर 9 by 8 by 6.5 meter³, इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन 2 मीटर × 1.5 मीटर। देखिए दूसरा पेन से लिखता हूँ, ये 2 by 1.5 मीटर का एक गेट हो गया, फिर बोल रहा है 2 विंडोज, 2 खिड़की है इसमें, ईच ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर × 1 मीटर। अब 2 खिड़की है, इसका डायमेंशन 1/1.5 का दिया हुआ है, एगो एक खिड़की है, एगो हो गया, ठीक है। तब भाई साहब क्या पूछे, अब देखिए मुद्दे की बात है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ 6.4 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब बोल रहे हैं कि इसमें चूना पोतने का कितना कॉस्ट लगेगा, और जो लेबर है ना भाई साहब, आजकल तो लेबर ऐसे भी नहीं मिलता है, धान के कटनी करने जाइए तो लेबर मिलेगा ही नहीं। खैर अभी तो ये घर पोतवाना है, देखिए तो 6 रुपीज 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है, कैसे रेट है भाई, 6.40 रुपीज पर मीटर। अरे भाई तो इसमें क्या रखा है, देखिए मीटर स्क्वायर होगा, मीटर में नहीं, वो मीटर तो लेंथ हो गया ना, एरिया से ना पोतेगा। और देखिए इसमें जो पेंटर लोग होता है बहुत होशियार होता है, हालांकि आपको कैलकुलेशन करना रहेगा एरिया में, और रनिंग फिट का ही सामने एक कंसेप्ट आ गया ना जाने कहां से, सीधे एक फीता दोहरा देगा, बोल देगा इसे मीटर लेंगे। अरे भैया ये रनिंग फिट क्या होता है, एरिया तो बताइएगा। अरे कुछ तो उसका सतह रहेगा ना, वो सीधे टेप निकालेगा और ऐसे लंबा खींच देगा, बोल देगा इतना फिट हो लो, पैसा लावा। अरे भाई देखिए, अब वो लोग से मुँह तो लगा नहीं सकते हैं, वो लोग अपने दिमाग में ऐसा सेट करके रखता है कि इतना इतना रहेगा तो इतना रुपीज लगेगा, लेकिन वो लोग चलाकी बतियाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई रेट रखा है, अरे मीटर स्क्वायर में, ये पढ़ा लिखा वाला मजदूर है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका रेट क्या होगा। देखिए इसमें यहाँ पर एक क्लियर करना चाहिए था, रूम का डायमेंशन दे दिया है 9 × 8 × 6.5, ठीक है, तो ये तो हम लोग सीधे मान लिए तो ना कि ये हो गया लेंथ, हो गया ये विड्थ, हो गया ये हाइट हो गया, लेकिन हमारा डायग्राम तो ये है, तो हम लोग किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि आपका लेंथ कौन है, विड्थ कौन है और हाइट कौन है, तो लेंथ विड्थ हाइट जब मेंशन नहीं है तो हम लोग तो किसी को भी मेंशन मान सकते हैं ना डायमेंशन में, कोई भी लेंथ है, कोई भी विड्थ है, कोई भी हाइट है, इसको स्पेसिफिक मेंशन करना चाहिए था। तो चलिए फिलहाल हम लोग ये डायमेंशन ले लिए,
तो कोई बात नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ द वॉल, तो इसमें क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ टोटल फोर वॉल क्या हो जाएगा। अरे चार वॉल है ना भाई, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 बाई 9 एरिया तो करना है ना, तो 8 बाई 9 हो गया, प्लस ए वाला कितना हो जाएगा, ये भी 9 मीटर है, तो 9 × 6.5, लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं होगा भाई साहब, देखिए क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन में बोरा नहीं करना है, जिसका ये 6.5, जिसका ये 6.5 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये टोटल कितना वाल हुआ, 2 ही वाल हुआ, तो इसके सामने भी तो वाल होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 2 × 8 = 72 और 9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 4 × 58 बड़ा क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 10 12 × 1 = 13 1 × 13 = 261 न होगा, ये क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए भाई साहब, जब मना किया है कि ऊपर वाला स्लिंगवा नहीं करना है और नीचे वाला नहीं करना है, कर दीजिएगा तो फालतू का ना पैसा ले लेगा, अब ऐसे भी तो नीचे वाला नहीं होगा, तो हमको कौन सा हटाना है, टोटल एरिया ऑफ गेट प्लस विंडो, तो गेट का क्या साइज है, 2 बाई 1.5 का है, और विंडो के गो है, 2 गो है, कितना भाई कितना, 1 बाई, अरे देखिए 1 बाई 1.5 का है ना भाई, तो क्या हो गया, 3 बराबर 6 मीटर स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड एरिया जितना हमको पेंट करना है तो कितना हो जाएगा, 261 में से 6 मीटर स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो गया, 255 मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा भैया, ये रेट रखा है टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 255 × 6.4 ये हो गया 1632 रुपीज, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, 1632 रुपीज। और ये कितना सिंपल था, खाली आपको लैंग्वेज में उलझा के रखा है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, और जानते हैं कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन में एरर आने से उसमें बेनिफिट ऑफ एरर मिल जाता है, ठीक है, मतलब आप अटेम्प्ट किए और गलत भी हो तो उसका रिवार्ड आपको मिल जाता है, होता है कभी कभी बराबर एग्जाम में एरर होता है, क्योंकि उसको भी क्वेश्चन को छापने वाला आदमी ही है, ठीक है, अभी AI का ज़माना आ गया लेकिन आदमी को कोई गवर्न नहीं कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर तो डायमेंशन उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ था, फिर भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके उसको आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 5 मीटर × 25 cm × 10 cm, फिर से देखिए 5 मीटर × 25 cm × 10 cm कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 20 मीटर लॉन्ग 6 मीटर वाइड एंड 80 cm deep, ठीक है, देखिए एक गड्ढा है, क्या गड्ढा है भाई साहब, तो गड्ढा है उसका कुछ
चौराई भी होगा, ठीक है। तो गड्ढा में क्या बो रहा है? 80 सेंटीमीटर डीप है, 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यूनिट को दम ध्यान से देखिएगा, और 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 6 मीटर वाइड है, 6 मीटर वाइड है। इसमें बोल रहा है छोटा छोटा तख्ता रखना है इसे सजा के, तो कितना तख्ता रखेंगे? और तख्ता का डायमेंशन क्या दिया हुआ है देखिए, 5 मीटर है इंटू 25 सेंटीमीटर है इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या उलझाने का कोशिश किया है, केवल इसका जो डायमेंशन का जो यूनिट है ना, एक को मीटर में कर दिया है, एक को सेंटीमीटर में कर दिया। तो एग्जाम में क्या होगा, अरे भाई साहब इसको जल्दी 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 सॉल्व करना है, तो आप जल्दी जल्दी धर 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 दुगुनाफा करेंगे, एल गए इसी में। आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगा, तो आपकी इच्छा के अनुसार है, या तो किसी को मीटर में चेंज कर दीजिए या किसी को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, नहीं तो पॉइंट पॉइंट ढोना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ पीट मतलब गड्ढा जो है इसका, और वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, ठीक है। तो इसका पीट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 80 देखिए सेंटीमीटर गुना 20 मीटर इंटू 6 मीटर डिवाइडेड बाय कितना बाय कितना है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबको एक यूनिट में ले जाना है, तो हम लोग को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 80 20 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या है 6 इंटू 100, इसको भी सेम यूनिट में चेंज कर देना है, 525 और 10। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, 25 से 4 टाइम्स में हो जाएगा, ये देखिए 10 से 10 हो गया, और ये देखिए 16। ये सब आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 7 6 8, इतना आपका प्लैंक्स इसमें अटेगा, समझे। देखिए इतना सारा प्लैंक्स होगा, मतलब बहुत छोटा छोटा है, इसमें टोटल 768 प्लैंक्स मतलब आप फिट कर सकते हैं। तो आपको उलझा के रखेगा, है कितना सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्या है, अरिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। अरे भाई देखिए, केवल क्वेश्चन को आपको उलझा दिया है, अरिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मीटर सॉरी पर मिनट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल सा है, एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, और इसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, क्या स्पीड से बह रहा है भाई, आपको 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी बह रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू सी पर मिनट,
पर मिनट में कितना आपका पानी इसमें से बह जा रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए रिवर डीप 2 मीटर, 2 मीटर डीप है, ठीक है, और चौड़ा कितना है, 45 मीटर, 45 मीटर। ये स्केल पे नहीं है, डायग्राम समझने का कोशिश कीजिए। और ये 1 मिनट में कितना पानी बह जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में। तो ये हमारा इसका देखिए अंदर का डेप्थ निकल जाएगा, या जितना आप जैसे बोल लीजिए इसको। अगर इस साइड से देखिएगा तो डेप्थ लगेगा, ऊपर से देखिएगा तो चौड़ाई लगेगा। तो पहले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, देखिए 60 मिनट में, देखिए 1 आवर में कितना ट्रेवल कर ले रहा है वाटर, 3 किलोमीटर। मतलब 60 मिनट में 3 इंटू, देखिए यहाँ पर मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए, इतना मीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड कर देंगे, मतलब ये 50 मीटर आपका जो पनिया यहाँ से चलेगा 1 मिनट में, वो 50 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो ये आपका डेप्थ हो गया। तो अब इसमें क्या सोचना है, इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मीटर है, 45 मीटर है, और ये हो गया अपना 50 मीटर। तो 45 दूनी 90, 9 पच्चा 45, इतना मीटर क्यूब आपका पानी बह जाएगा। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इतना लीटर पानी 1 मिनट में नदी से पास हो जाएगा। देखिए आजकल बारिश का दिन है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, देखिए इन अ शावर, मतलब बारिश के समय 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल्स, तो जो बारिश हो रहा है 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। तो एक देखिए 2 हेक्टेयर का ग्राउंड है, ठीक है, क्या है, 2 हेक्टेयर का ग्राउंड है। तो ये एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, देखिए 2 हेक्टेयर एरिया ऑफ ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 2 हेक्टेयर, ठीक है, और इस पे आपको ऊपर से पानी 5 सेंटीमीटर का मोटा का आपका पानी बारिश हुआ है, ठीक है। तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, क्या था हम लोग जब फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो क्या किए थे, एरिया में लेयर बाय करके हाइट कर दिए थे, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही हो गया वॉल्यूम। तो 2 हेक्टेयर को पहले यहाँ पर देखिए यूनिट एक कर लीजिएगा, तो 2 हेक्टेयर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो 40 बैठाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ये तो इसका एरिया हो गया, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 5 दूना 10, मतलब इतना मीटर क्यूब बारिश होगा, और इतना मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर बारिश
का पानी है इसमें जमा हुआ, 2 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर का अगर बेड बना हुआ है तो, समझे। तो ये हो गया हम लोग का आज का सेशन, नेक्स्ट सेशन में कुछ और हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला को देखिए और कभी नहीं डरिए, क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरिए, क्योंकि वो आपको साइकोलॉजिकली डराता है एग्जामिनेशन में। और आप केवल उसको पढ़ लिए 2 से 3 बार तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।